हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न फिगर ऑफ स्पीच. इन आवर टू प्रीवियस लेसन वी लर्न 20 फिगर ऑफ स्पीच. टुडे वी लर्न अनदर इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच. लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. ट्वेंटी वन फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन. रिपीटेशन क्या है? व्हेन द सेम वर्ड्स आर रिपीटेड इट इज कॉल्ड रिपीटेशन. कोई वर्ड होगा तो वो वर्ड बार बार एक ही सेंटेंस में क्या होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होता रहेगा, तो वहाँ रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है. लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल वन इज होम, होम, स्वीट होम. स्टूडेंट्स लुक हियर, होम, होम एंड होम. दिस वर्ड इज रिपीट 3 times. सो हियर रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज. लोड ऑन लोड. ओके, सो लोड जो वर्ड है वो 2 times रिपीट हुआ, तो यहाँ रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई. 21 फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन. When two contradictory qualities are predicted at once of the same thing, it is called oxymoron. It is special form of antithesis. क्या है कि दो जो contradictory यानी opposite qualities होगी उनको predict किया गया होगा, कहा गया होगा एक same thing में, एक same sentence में. okay, एक साथ ही दोनों होंगी कैसी, ऑपोजिट, साइड बाय साइड ही नहीं है लेकिन दोनों साथ में ही दो ऑपोजिट मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं उनका यूज़ किया गया होगा, तो वहाँ ऑक्सीमोरॉन का ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच होती है. और वो जो एंटीथेसिस होता है उसका ये स्पेशल फॉर्म है. लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज द वाइजेस्ट फूल. स्टूडेंट्स ही वॉज द वाइजेस्ट फूल, तो क्या कि वह सबसे बुद्धिमान मूर्ख था. तो यहाँ जो वाइजेस्ट है उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइजेस्ट, बुद्धिमान. और फूल का मीनिंग क्या होता है, ओके, मूर्ख. तो बुद्धिमान मूर्ख दोनों है कैसा, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं लेकिन उनको साथ में ही यूज़ किया गया, तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ऑक्सीमोरॉन. टेरिफिक ब्यूटी. टेरिफिक मीन्स भयानक, ब्यूटी यानी सुंदरता. तो ब्यूटी कभी टेरिफिक नहीं हो सकती. ओके, लेकिन यहाँ जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ हैं उनको प्रेडिक्ट किया गया है एक ही सेम थिंग में, इसलिए यहाँ फिगर ऑफ स्पीच होती है ऑक्सीमोरॉन. देन 23 फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट that seems to be absurd or self-contradictory but may be true. Paradox जो है, okay, वो is a statement यानी ऐसा बयान है, that seems to be absurd, absurd यानी बेतुका, okay, और self-contradictory यानी कि आत्मविरोधाभासी होगा. statement जो होगा वो हमें बेतुका लगेगा, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, आत्मविरोधाभासी लगेगा, लेकिन कभी कभी मे बी ट्रू, सच भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लेट हिम बी रिच एंड वियरी. इसका मीनिंग क्या होता है, पैराडॉक्स में क्या होता है, यहाँ देखो जो दो एपेरेंटली कंपेटेबल आइडियाज़ जो है उनको रिकनसील्ड यानी साथ में क्या किया गया, जोड़ा गया, जो तोड़ मोड़ के क्या किया, साथ में बैठा दिया गया. रिच और वियरी, धनवान और वियरी का मीनिंग क्या होता है कि विविड, डिफरेंट, ज़्यादा. तो यहाँ ऐसा हमें कुछ लगेगा नहीं कि हाँ इफेक्ट के लिए है या ऐसा है, लेकिन पैराडॉक्स में होता क्या है कि स्टेटमेंट इतना बेतुका होता है जो खुद में ही कैसा होगा, आत्म विरोधाभासी होगा एक दूसरे में ही, मगर कभी कभी क्या हो सकता है, सच भी हो सकता है. सेकेंड वन इज अनहर्ट बाई आर्ग्यूमेंट बाई स्नफ स्ट्रक डम्प. यहाँ भी क्या है कि टू ऑपोजिट आइडियाज आर रिकनसील्ड ऑन सेकेंड थॉट, जो बाई स्नफ स्ट्रक डम्प है,
ओके, वहाँ जो दो कॉन्ट्राडिक्ट क्या है, स्नफ स्ट्रक डम, तो उसको क्या किया है, साथ में तोड़ मोड़ के, जोड़ तोड़ के क्या किया, लगा दिया गया है, प्लेस कर दिया गया है, मेल मिलाप कर दिया है, और ऐसे स्टेटमेंट एक बना दिया गया है। इसलिए यहाँ क्या हुआ, जो पैराडॉक्स, पैराडॉक्स में क्या याद रखोगे कि स्टेटमेंट होगा बेटू का आत्मविरोधाभासी, मगर कभी कभी वो सच हो सकता है। 24th फिगर ऑफ स्पीच इज लिटोट्स। व्हेन एंड अफर्मेटिव इज कन्वेड बाय नेगेशन ऑफ द ऑपोजिट, द इफेक्ट बीइंग टू सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन बाय मीन्स ऑफ ए वीकर, इट इज कॉल्ड लिटोट्स। लिटोट्स में क्या बात की है कि व्हेन एंड अफर्मेटिव इज कन्वेड बाय द ऑपोजिट, द इफेक्ट बीइंग टू सजेस्ट, यानी अफर्मेटिव जो बात होती है ओके, उसको कन्वे किया गया होगा नेगेशन से, यानी नेगेटिव वे में, और ऑपोजिट द इफेक्ट बीइंग टू सजेस्ट स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन बाय मीन्स ऑफ ए वीकर, जो सजेशन होगा ओके वो स्ट्रॉन्ग होगा ओके, और उसको क्या बोलेंगे हम, लिटोट्स बोलेंगे। लिटोट्स में आप और बात याद रखिएगा, या फिर सेंटेंस में नो आएगा, नथिंग आएगा ओके, नेवर आएगा, जो नेगेशन वाले जो वर्ड्स हैं वो किसी भी पोएम की लाइन में यूज़ हुए होंगे, तो वहाँ लिटोट्स तो फिगर ऑफ स्पीच है, वो आसानी से वहाँ प्लेस की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज नो डस्ट स्पैक, यह कोई धूल डब्बा नहीं था, यानी जो यहाँ बोला है कि धूल डब्बा नहीं था, तो उससे भी ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्गर यहाँ मीनिंग सजेस्ट एक्सप्रेशन होता होगा। यहाँ हमें क्या लगता है कि मीनिंग बाई मीन्स ऑफ ए वीकर, वीकर नहीं लेकिन कैसा, वो इफेक्ट कैसी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। द बॉय इज़ नो फूल, यानी लड़का कोई मूर्ख नहीं है, तो मीनिंग क्या हुआ कि अफर्मेटिव है ओके, उसको नेगेशन के साथ एक्सप्रेस किया कि बच्चा क्या नहीं है, मूर्ख नहीं है, तो मीनिंग क्या हुआ कि बच्चा वाइज है। सी इज नॉट अ लिटल वरीड, वह थोड़ी चिंतित नहीं थी, यानी वह बड़ी चिंतित थी ओके, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल देते, नेगेशन के साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेशन के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। 25th फिगर ऑफ स्पीच इज एल्यूजन। व्हेन एन इनडायरेक्ट रेफरेंस इज मेड, इट इज कॉल्ड एल्यूजन। इनडायरेक्ट रेफरेंस यानी जो हमारे पास्ट के हिस्ट्री के कैरेक्टर्स होंगे उनके साथ इनडायरेक्ट रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, संदर्भ होता है ओके, रेफरेंस किया जाता है, तो वहाँ एल्यूजन होता है। लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन द फ्रंट ऑफ हर। डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। रोमियो कौन है, हिस्ट्री का एक फेमस जो कैरेक्टर वो था ओके, तो क्या किया गया, यहाँ इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया गया, किसका, रोमियो का, तो सो यहाँ क्या हुआ, एल्यूजन हुआ। एल्यूजन का मीनिंग क्या होता है, संकेत करना ओके। हे गेस हु द न्यू न्यूटन ऑफ अवर स्कूल इज, क्या यहाँ किसकी बात की गई, न्यूटन की, तो रोमियो और न्यूटन क्या है, रेफरेंसेस है ओके, और उनको कैसे प्रेजेंट किया गया, इनडायरेक्ट रेफरेंस से। सो ऐसे जब जो हिस्ट्री के कैरेक्टर्स इनडायरेक्ट रेफरेंस से पोएम की लाइन में या फिर यूज़ किए गए हो, वहाँ एल्यूजन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ होता है। 26th फिगर ऑफ स्पीच इज एनाफोरा। रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड फ्रेज और क्लोज एज द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर क्लोजेस और सेंटेंसेस इन अ रो, यानी ऐसे रो में या फिर क्लोज होंगे या फिर वर्ड्स होंगे ओके, उनका यूज़ कैसे होगा, रिपीटेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, देखो, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, तो यहाँ क्या है, लेट्स
जो है उसका यूज़ जो हुआ है, ओके वो क्या है, ये फर्स्ट लाइन है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो बिगिनिंग में ही यूज़ हुआ है ओ ओके, या फिर वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर फ्रेज हो सकता है, या फिर क्लोज हो सकते हैं। इन तीनों का अगर जो बिगिनिंग लाइन की बिगिनिंग में अगर उसका यूज़ हो तो वहाँ हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा, एनाफोरा। 27th फिगर ऑफ स्पीच इज एसोनेंस। एसोनेंस टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर वर्ड्स क्लोज टू वन अनदर रिपीट द सेम वोवेल साउंड बट स्टार्ट विथ डिफरेंट कंसोनेंट साउंड। इजी है बहुत, कि देखो यहाँ सॉलिट्यूड है, यहाँ सूट्स है, ओके यहाँ क्या है, एब्स्ट्रजर है और यहाँ मसिंग्स है, तो ये सारे वर्ड्स जो है, देखो ये एस से स्टार्ट हुआ, ये एस से, ये ए से और ये एम से, यहाँ अगर हम देखें तो दो डिफरेंस है और दो सेम्स हैं। जब वर्ड में किसी वोवेल का, वोवेल साउंड का क्या होगा, कोई वोवेल साउंड रिपीट होगा, यहाँ देखो यू 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 यू, ओके मगर वो जो वोवेल साउंड जिस वर्ड में यूज़ हुआ है वो वर्ड डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता होगा, तो वहाँ जो एसोनेंस है ओके वो फिगर ऑफ स्पीच आती है। ही इज़ टेंडर हेयर माइट बियर हीज मेमोरी, ओके देखो यहाँ टी एच सॉरी यहाँ टी एच बी और एम सारे जो वर्ड्स है उसमें ई वोवेल रिपीट होता है, मगर सारे वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके सो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा, एसोनेंस। 28th फिगर ऑफ स्पीच इज एंजाबमेंट। द रनिंग ओवर ऑफ ए लाइन और थॉट इन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ स्ट्रॉन्ग ब्रिक और पोज। इसमें क्या होता है कि कोई थॉट है तो थॉट अगर किसी एक लाइन में एक्सप्रेस किया तो उसके बाद कोई पोज नहीं लिया जाता, उसी थॉट को किसी दूसरी लाइन में कंटिन्यू किया जाता है, तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आती है, एंजाबमेंट। फॉर एग्जाम्पल एंड फोर वंस कूड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, देखो यहाँ डॉट 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 ऑफ थ्रेटनिंग ओवर सेल्फ विथ डेट, ओके ये एक थॉट था वो कंटिन्यू दूसरी लाइन में भी ले लिया, तो जब किसी थॉट को किसी बात को ओके एक लाइन से दूसरी लाइन में कैसे किसी भी जो स्ट्रॉन्ग ब्रीक आता है या फिर पोज होता है उसके बिना ही ले लिया जाता है, तब एंजाबमेंट फिगर ऑफ स्पीच होती है। 29th फिगर ऑफ स्पीच इज इंट्रोगेशन। व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर बट टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली जस्ट फॉर द सेक फॉर द रेटोरिकल इफेक्ट, यानी अलंकृत जो इफेक्ट आती है ओके उसके लिए, इट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेशन और रेटोरिकल क्वेश्चन। यहाँ इंट्रोगेशन में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन आंसर के लिए नहीं, इफेक्ट लाने के लिए, और दूसरा इंट्रोगेशन को हम क्या कहेंगे, रेटोरिकल क्वेश्चन, याद रखिएगा ओके और वो फिगर ऑफ स्पीच होती है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, यहाँ वो आंसर नहीं पूछ रहा कि उसने क्या गाया था, सिर्फ इंट्रोगेशन के लिए, इफेक्ट लाने के लिए, वो सो मच एक्सपेंडिचर जस्टिफाइड, ओके तो इंट्रोगेशन कब आएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर के लिए नहीं, सिर्फ इफेक्ट लाने के लिए। सो स्टूडेंट्स आज हमने 9 और फिगर ऑफ स्पीच देखी, लेट्स रिपीट देम। 21 नंबर फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन, क्या होगा, वर्ड्स का रिपीटेशन होगा ओके। 22 ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में क्या होगा, तो ऑक्सीमोरन को अगर हम एग्जांपल से सीखें तो दो ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ को एक साथ में ही ओके पाया लिखा गया या फिर डिस्क्राइब किया गया, प्रेजेंट किया गया, प्लेस किया गया होगा।
पैराडॉक्स में क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, ओके, वो हमें कैसा है, बेतुका लगेगा और आत्मविरोधाभासी होगा, लेकिन कभी कभी वो सच भी हो सकता है। जैसे तैसे दो ऑपोजिट थॉट्स या फिर मीनिंग्स होंगे उनको मेल मिलाप करके साथ में रख दिए गए होंगे। उसके बाद लिटॉट्स हैं, ओके, अफर्मेटिव, जो बात होगी उसको नेगेटिव वे में उसको बताया गया होगा, ओके। द बॉय इज़ नो फूल, यानी जो लड़का कोई मूर्ख नहीं है, यानी वो बहुत वाइज है। 25 नंबर फिगर ऑफ स्पीच इज एल्यूजन। एल्यूजन में क्या होता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस किया जाता है हिस्ट्री के कैरेक्टर्स के साथ, रोमियो और न्यूटन, फेमस कैरेक्टर्स के साथ। 26 एनाफोरा, उसमें रिपीटेशन होता है या फिर वर्ड का रिपीटेशन होगा, फ्रेज का होगा या क्लोज का होगा। यहाँ लेट्स का रिपीटेशन टू लाइन में हुआ है, और ऐसे अगर थर्ड लाइन में भी होगा या फिर किसी वर्ड सेम ऐसे सेम कोई पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट होता होगा तो वहाँ एनाफोरा जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज होता है। 27 नंबर फिगर ऑफ स्पीच इज एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है कि जो सेंटेंस जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट कॉन्सोनेंस से स्टार्ट होते होंगे, लेकिन उनमें जो वोवेल है वो सेम वोवेल रिपीट होता होगा। एंजबमेंट में क्या होता है कि किसी भी थॉट को या फिर आइडिया को किसी भी पॉज के बिना दूसरी लाइन में कंटिन्यू एक्सप्रेस करना। और इंट्रोगेशन में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर के लिए नहीं, लेकिन रेटोरिकल इफेक्ट को पैदा करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप You understand this 29 figure of speech very well. If you have any doubt, then at that time ask me. Okay? Thank you for watching.